तो अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं और उसके अलावा हम ये भी सीख चुके हैं कि यदि किसी पॉइंट पर हमें एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी हो तो हम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड करते हैं तो अब इन कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स एंड हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है विच जी ऑफ वन इज इक्वल टू टू तब हमें फंक्शन जी एक्स फाइंड करना है तो अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले करना क्या है इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें टू एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है जिससे कि हमें फंक्शन मिलेगा जी एक्स एंड इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उस फंक्शन जी एक्स में एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन की वैल्यू टू के इक्वल पुट करेंगे जिससे कि हमें इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी मिल जाएगी तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक थ्री मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा तो चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में गिवन है कि जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट अब हम इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जी एक्स फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा अब इसमें हम फंक्शन टू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे जिससे कि हमें मिलेगा जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल जहां जो सी है वह इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है अब इस क्वेश्चन में हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जी ऑफ वन इज इक्वल टू टू यानी कि जो अभी हमें फंक्शन मिला है जी एक्स उसमें हम एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे जिससे कि हमारे फंक्शन की वैल्यू टू के इक्वल हो जाएगी तो जब हम ऐसा करेंगे तो वहां से हमें सी की वैल्यू मिलेगी जो कि वन के इक्वल होगी तो अब हम ओरिजिनल फंक्शन जी में सी की वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमें फाइनल फंक्शन मिलेगा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन